हेलो दोस्तों, देखो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। हरी मिर्ची लेके आए हैं। ये तो हरी मिर्ची हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। एक मिर्ची ज़रूर खानी चाहिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे खाना जो भी हम खाते हैं जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसको हमने अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लिया है और 2-3 घंटे इसको हमने धूप में सुखाया है। इसमें हमने कट डाल लिया, आप कैसा भी कट डाल सकते हो, ऐसे साबुत भी रख सकते हो। देखो मैंने 2 तरह के कट डाले हैं, इसके सेंटर में कट डाला है। देखो अब मैं इसका अचार बनाऊंगी आपके लिए, खा के बताना कैसा बना है। ये मेरा तेल गरम हो गया है। चम्मच में इसमें मेथी दाना डालूंगी, 2 चम्मच मैंने ये सौंफ लिया है, थोड़ा मैंने ये मिक्स मसाला लिया है, इसमें जीरा धनिया सब पीस ये मैं मिर्ची डालूंगी। चम्मच मैंने हल्दी डाल ली है, 2 चम्मच मैं नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा पीली सरसों का पाउडर डाला है जिसको राई भी कहते हैं, आप चाहो तो काली का भी डाल सकते हैं, मैंने पीली सरसों का डाला है। अब मैं थोड़ी देर इसको फ्राई करूंगी। हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। मिर्च का अचार बहुत टेस्टी लगता है और खाने में मज़ा आता है। देखो कितनी अच्छी लग रही है हमारी मिर्ची। इसमें मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्ची खुद ही तेज़ होती है। नमक कम नहीं होना चाहिए, नमक थोड़ा तेज़ रखना चाहिए। और गीले हाथों से अचार कभी मत निकालें, नहीं तो ख़राब हो जाता है अचार। देखो मैंने ज़्यादा तेल भी नहीं डाला, देखो बिल्कुल सूखा है, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें 2-3 चम्मच सिरका डालूंगी ताकि हमारा अचार खराब ज़्यादा टाइम तक चले, ख़राब ना हो। देखो मेरा अचार कितना अच्छा बना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। और एक बार मिर्ची का अचार ज़रूर ट्राई करें, मज़ा आएगा आपको खाने में। और खा के बताएं आपको कैसा लगा।